पिज्जा और गार्लिक ब्रेडस्टिक्स हम सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद है। आज हम इन दोनों की एक फ्यूजन रेसिपी बनाएंगे, चीजी पिज्जा गार्लिक ब्रेडस्टिक्स। बहुत ही क्विक और डिलीशियस रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एक टेबलस्पून बटर को हमें हीट करना है, उसमें हम एक फाइनली चॉप प्याज डालेंगे, थोड़ी सी फाइनली चॉप शिमला मिर्च डालेंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें कम्प्लीटली कुक नहीं करना, स्लाइटली क्रंचीनेस रहना चाहिए। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न, थोड़ा सा फाइनली चॉप टमाटर। हमें इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है और हम इसमें नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट हम इसमें पिज्ज़ा पास्ता सॉस डालने वाले हैं जिसमें ऑलरेडी हर्ब्स और नमक एडेड है। क्विक पिज्ज़ा पास्ता सॉस बनाने की रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें पिज्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ी सी क्रश्ड काली मिर्च डाल देंगे। हमें लगेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। मैंने यहाँ पे इसके साइड सेपरेट कर लिए हैं, आप साइड्स को रोस्ट करके ब्लेंड करके ब्रेड क्रम्स की तरह यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल ब्रेड लिया है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हो या फिर सैंडविच के लिए जो पर्टिकुलरली जंबो साइज का ब्रेड आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसे ग्रीस करने के लिए हमें लगेगा 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। इसमें हम मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे और फाइनली चॉप्ड या फिर फाइनली ग्रेटेड 2 से 3 गार्लिक के क्लव्स। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इसे साइड में रख देंगे। हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं उस पर जेंटली थोड़ा सा प्रेशर डालकर हमें उसे फ्लैटन कर लेना है। अब ध्यान में रखिए कि आपके जो ब्रेड स्लाइसेस है वो फ्रेश ही होने चाहिए, नहीं तो फिर उसके क्रम्स निकल के आ जाएंगे और आप उसे प्रॉपरली फ्लैटन नहीं कर पाओगे। ध्यान में रखिए ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, वरना जब आप इसको स्टफिंग भरकर रोल करोगे तो पूरा स्टफिंग बाहर निकल कर आ जाएगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है और थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़। अब हम लेंगे एक फ्लैटन ब्रेड स्लाइस, हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून स्टफिंग डालेंगे और थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। हमें ध्यान में रखना है कि ये स्टफिंग और चीज़ सेंटर में ही हो ताकि हम जब इसे रोल करें तो एक्सेसिव स्टफिंग बाहर ऊज आउट होकर ना आए। रोल करते समय जो स्लाइस का एंड वाला पार्ट आता है उस पर हम 1-2 ड्रॉप्स पानी लगाकर इसे अच्छे से सील कर लेंगे। अगर आप सैंडविच वाला ब्रेड यूज़ कर रहे हो जिसमें जंबो साइज स्लाइस रहते हैं तो आप उसमें ज़्यादा स्टफिंग भी भर पाओगे और आप काफ़ी आसानी से इसे रोल कर सकोगे। आप इसे ओवन में या फिर माइक्रोवेव में बेक कर सकते हो या फिर नॉर्मल तवा या फिर पैन पे आप इसे अच्छे से रोस्ट कर सकते हो। स्टफ्ड पिज्ज़ा ब्रेड स्टिक्स बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो बटर, गार्लिक और हर्ब्स का जो मिक्सचर बनाया है उसे हम अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लेंगे। आप इसे बिना ओवन या फिर माइक्रोवेव के भी बना सकते हो। आप तवा या फिर पैन में इसे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लीजिए। चीज़ी पिज्ज़ा गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बिल्कुल रेडी है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगे हैं हमें, तो अब से आप पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड दोनों को ही साथ में एंजॉय कर सकते हो। इस यूनिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।